हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत का खाना। आज की रेसिपी एकदम इंटरेस्टिंग रेसिपी है, जो मुंबई और महाराष्ट्र की मेन कोर्स की साइड डिश है और इसका नाम है ठेचा। ठेचा महाराष्ट्र और मुंबई में साइड ऑप्शन के साथ दिया जाता है, मेन कोर्स के साथ, या फिर आप इसे स्नैक्स के साथ भी ले सकते हैं। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसका चटपटा तीखा स्वाद खाने के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और इस रेसिपी वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। पिछले चैनल में इस रेसिपी वीडियो पे आप सभी लोगों ने 8 लाख व्यू दिए थे, जो आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और खूब सारे लाइक्स दिए थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये ठेचा मैंने एकदम गाउटी स्टाइल में बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठेचा का मतलब होता है इसको कूट के बनाना। आजकल के टाइम पे खल्लड़ मूसली नहीं है जिसपे पत्थर पर रख के इसको पीसते थे, आजकल मिक्सर ग्राइंडर है, सब लोग उसी में ग्राइंड करते हैं, तो हम उसी में ग्राइंड करेंगे। और जो प्रॉपर मराठी स्टॉल जो होती हैं मुंबई में और महाराष्ट्र में, जैसे आप हाईवे पे जाएंगे, जो प्रॉपर महाराष्ट्रीन जो लोग होते हैं जो स्नैक्स रखते हैं, जैसे मूंग भजिया हो गया, वड़ा पाव हो गया, वो लोग साथ में ठेचा चटनी रखते हैं और उसको स्वाद भी बहुत आता है। इसका ठेचा चटनी का स्पेशल डिमांड करेंगे, वो लोग जरूर देते हैं, साइड में बना कर रखते हैं वो लोग। और मैं मूंग भजिया की रेसिपी तैयार कर रहा था शूट करके डालने के लिए, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ठेचा तैयार कर लेता अपने लिए, तो मैं सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ठेचा चटनी। आप जरूर उसको ट्राई कीजिए अपने घर में, और बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत सिंपल है और बहुत स्वादिष्ट बनती है ये। तो चलिए हम ठेचा चटनी स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसेस कैसे बनता है आपको दिखाते हैं। ठेचा चटनी बनाने के लिए मैंने 8 मिर्चियाँ ली हैं, देखिए इतनी बड़ी मिर्ची थी, इसके मैंने 3 भाग कर दिए। मैंने इसके 3 भाग करके इस तरह से इसका साइज़ कर दिया। अगर आपके पास छोटी मिर्च है तो उसके हिसाब से ही आपको इतने साइज़ के हिसाब से आपको मिर्ची लेनी है, और अगर आप इस तरह की बड़ी मिर्च लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तीखी कम होती है और ठेचा खाने में भी हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर बड़ी मिर्ची इस तरह की होती है ना, इसमें तीखापन कम होता है। और हमने लिया है लहसुन, ये मैंने हाफ लिया है, जितनी हमारी मिर्ची होंगी उसका जस्ट हाफ लेना है। जैसे हमने 10 मिर्ची ली है तो 5 हमको लहसुन की कली लेनी है, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। और हमने लिया है 2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। और जो मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ ठेचा का, जो ठेचा चटनी की रेसिपी है, वो एकदम पारंपरिक तरीके से बनाऊंगा, जो एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाई जाती है। ये मैंने महाराष्ट्र के कई सारे गांव में जाकर देखा है वो किस तरह से ठेचा बनाते हैं। कई सारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे क्लाइंट हैं, तो उनकी डील में मैं जाता हूँ, तो वहाँ के जो गांव के घर होते हैं उसमें मैंने देखा है प्रॉपर तरीके से ये लोग ठेचा कैसे बनाते हैं, वही मैं प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ उसको बनाने का। तो चलिए हम ठेचा की विधि को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। ये देखिए, ये 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर और उसको गर्म होने दिया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च को डाल देंगे ऊपर से ही, तो हल्का सा इधर कर लेंगे। अब इसी में हम लहसुन डाल देंगे। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम, जैसे इसके ऊपर गोल्डन स्पॉट आ जाए लहसुन में और मिर्ची में। और मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, ज़्यादा हाई नहीं करनी है हमें, मीडियम फ्लेम स्टार्टिंग में करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको लो कर दूँगा और उसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जैसे एकदम से नीचे ब्लैक ना पड़ जाए, चिपक ना जाए। ये देखिए इसका कलर एकदम वाइट होने लगा है, ये अपना इसका जो पील होता है मिर्ची का छूटने लगा है इसका। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जैसे नीचे से ब्राउन हो जाए, जले नहीं। ये देखिए सब मिर्चियों का कलर भी चेंज होने लगा है, और ये लहसुन को भी हम थोड़ा टॉस कर लेंगे। अब हमारा कुछ देर हो गई है, उसको हम थोड़ा टॉस कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए ये ब्राउन होने लगी है नीचे से, इसको हम टॉस कर लेते हैं। ये देखिए तो मैंने उसको फ्लिप कर दिया है, इसको भी हम फ्लिप कर देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने देंगे। और इसका मैंने एक अलग ही वर्जन खाया था, मैं किसी डील में गया था पूना साइड में किसी गांव में, तो उन लोगों ने इसे घी में फ्राई किया था, और उसका घी का जो टेस्ट होता है एकदम अलग आता है, एकदम डिफरेंट हो जाता है, बहुत रिचनेस आ जाती है इसको खाने में। अब ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई है, उसको मैंने लो फ्लेम में कराए। अब इसको मैं एक स्टील की प्लेट में निकाल लेता हूँ और उसको हम ठंडा होने देंगे। और इसकी खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसको मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है मूंग दाल भजिया, उसमें मैं ट्राई करूँगा। इसको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब हमारा मिर्ची का जो हमने मटेरियल तैयार किया था वो ठंडा हो गया है, अब इसको हम एक ग्राइंडर में डालेंगे। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें जो ग्राइंडर लेना है वो 2 ब्लेड वाला लेना है, इसकी जो 4 ब्लेड वाला जो आता है छोटा वाला चटनी जार, वो नहीं लेना है, हमें बड़ा वाला लेना है जिसमें हम वेट ग्राइंडिंग करते हैं, क्योंकि हमें इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे जाड़ा जाड़ा रखना है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको ग्राइंड करते हैं।
और ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे करके हमको चेक करना है। और एक चीज़ और, हमको ऊपर से ही इसमें नमक डाल देना है, जैसे हम ग्राइंड करेंगे उसी टाइम हमें नमक डालना है, जैसे हमने पैन में रखा था उस टाइम नहीं डालना है, अभी डालेंगे हम नमक क्योंकि इसका प्रोसेस ही यही है। अब इसको हम रख देते हैं ग्राइंड होने के लिए 2 सेकंड के लिए बस, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बना है। ये देखिए मैंने 2 सेकंड इसको ग्राइंड किया, देखिए इस तरह से हो गया, थोड़ा जाड़ा जाड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और 2 सेकंड करेंगे फिर चेक करेंगे हम। अब इसको मैंने 2 सेकंड और ग्राइंड किया, हमको बड़ा बारीक ध्यान रखना है इसमें। और मैंने चम्मच ले लिया, जैसे अगल बगल जो चिपका रह जाता है उसको भी हम नीचे कर देंगे। और थोड़ा दूर होके इसको खोलिए क्योंकि इसकी जो मिर्ची की घास है वो आती है एकदम सीधा नाक में। उसको हम 2 सेकंड और ग्राइंड करेंगे, 2 सेकंड और कर लिए अच्छे से। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गया, ये हमको इतना ही जाड़ा रखना है, इतना ही हमको मोटा मोटा रखना है। देखिए इस तरह से, जो हमारे जो वेंडर्स हैं महाराष्ट्र के, जो वो हमको ठेचा देते हैं इसी तरह से देते हैं, इस तरह से। अब इसका हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम दोबारा उसी पैन पे आ जाते हैं जिसमें हमारा पहले हमने अपना मटेरियल को हल्का सा फ्राई किया था, उसमें ऑलरेडी ऑयल है पहले से, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और डाल लीजिए 2 चम्मच। और इसी में ही हम अपना ठेचा डाल देंगे जो हमने दरदरा उसको पीसा है, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड, ज़्यादा नहीं, इसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड, इसकी खुशबू अभी से इतनी तेज़ आ रही है, कुछ पूछो मत ही। और फ्रेंड्स अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और उसको बीच बीच में चलाते रहिए, और उसको आप मेन कोर्स के साथ, स्नैक्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगली मेरी रेसिपी जो है मूंग भजिया की, मुंबई स्टाइल की जो मैं बनाऊँगा, आप उसके साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एक मूंग भजिया लीजिए, इसको हल्का सा लगाइए और खाइए, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट रेसिपी ज़रूर देखिए। अब मेरे 10 से 20 सेकंड हो गए, मैं गैस ऑफ कर देता हूँ। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेता हूँ, चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ठेचे को एक बाउल में निकाल लिया है, और पूरी प्रोसेस में मैंने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। एक चीज़ आप याद रखिए, हमको विदाउट पानी बनाना है। और इसको आप मेरी आने वाली वीडियो जो है मूंग भजिया की उसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको खाने में। और इसको आप मेन कोर्स फूड के साथ भी खा सकते हैं, और कोई भी मराठी स्नैक्स हो या फिर कोई भी नॉर्मल स्नैक्स हो उसके साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है इसको खाने में, अलग ही टेस्ट है, अलग ही जायका है। और मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और मोर रेसिपीज़ के लिए और मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।